एक्सरसाइज 11.2 का जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ सकता है। इसमें स्टार्टिंग तो 12th फ्रेम में लग रही है, उसके बाद में ये एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी, तो आपको उसमें गुणनखंड विधि से इसको हल करके और x का मान निकालना है। तो यहाँ पर कई बार ये चेंजेस ऐसे कर देते हैं डायग्राम देख करके, इसमें ये वैल्यू ऐसे पुट किया हुआ होता है और ये कहता है ये डी इस मात्र बी सी के, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, कई बार इस लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पर इसमें इनके जो पार्ट वाइज ये मान दिए गए हैं और कह रहा है डी और ई बिंदु है ना, वो ए बी और एस सी पर इस प्रकार है कि ये डी इस मात्र है बी सी के, तो आप एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को यहाँ एक्स का मान ज्ञात करना है और ये जो पार्ट वाइज इनके दे रखे ए डी का, डी बी का मान, ए ई का और ई सी का, तो ये त्रिभुज में ये अगर समांतर है तो यहाँ थेल्स प्रमेय लगेगी, तो थेल्स प्रमेय से आप इसमें बाद में वज्र गुणा करके और एक्स का मान निकालना है आपको। तो त्रिभुज कौन सा है सॉल्यूशन के अंदर, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या चीज है दिया हुआ, ये जो आप लिख दोगे एडी डीबी ए और ईसी के मान, तो एडी का मान है वो है 4x-3 है और बीडी का मान है वो है 8x-7, ए ई का मान है वो है 3x-1 और जो ई सी का मान दिया हुआ है वो है 5x-3, ये इतना दिया हुआ है। और डी ई समांतर किसके है, बी सी के है, तो यहाँ पर जब ये समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या रिजल्ट आपको, ये जो भुजाओं का मान दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें थेल्स प्रमेय के जो 3 रिजल्ट है उसमें से कौन सा लगा कर रहा है, देखिए ए डी डी बी ए और ई सी का मान है तो जो मेन रिजल्ट है वही लगेगा, ए डी बटा में डी बी बराबर होगा ए ई बटा में ई सी, ये जो मेन रिजल्ट है थ्योरम का वो। अब इनके जो मान है वो लिख देंगे, ए डी का मान कितना है 4x-3 बटा में डी बी का मान कितना है, ये डी बी का मान है 8x-7 बराबर ए ई का मान है 3x-1 बटा में ई सी का मान है 5x-3। अब जैसा क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3 में दिया हुआ है जो पिछले साल बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है, वज्र गुणा करते हो तो एक्स का जो स्क्वायर मिलेगा वो उसका कोएफिशिएंट है वो बड़ा कौन से वाले का बन रहा है, पहले वो लिख लीजिए ताकि आपको फिर माइनस वगैरह कॉमन नहीं लेना पड़े। देखो 8 का 3 से करोगे 24 आएगा और 4 का 5 से करोगे 20 आएगा, तो 20 वाला छोटा होगा 24 वाला बड़ा होगा, तो पहले ये गुणा कर लीजिएगा ताकि आपको एक्स स्क्वायर वाला माइनस में नहीं मिलेगा। 8x-7 का गुणा कर लीजिए 3x-1 से और 4x-3 का गुणा किससे होगा 5x-3 से, जब इनका गुणा करेंगे तो 8 + 3 = 24 हो जाएगा, ये 24x²-8 का 1 से करोगे तो ये हो जाएगा 8x-7 का 3 से करोगे तो ये हो गया 21x, आगे माइनस माइनस प्लस, 7 का 1 से करोगे तो 7, 4 का 5 से करोगे तो ये 20x², 4 + 3 कितना हो गया 12x, माइनस 3 का 5 से करोगे तो 15x और 3 का 3 से करोगे तो प्लस का 9। अब आप इन x वालों को ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 24x² माइनस ये दोनों ऐड होंगे तो 21 और 8 कितने हो गए 29x, आगे प्लस का 7 बराबर 20x², 12 और 15 तो आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 27x और प्लस का 9। इन तीनों को आप लेफ्ट साइड में लिया जाएगा पक्षांतरण करके, तो 24x² - 29x + 7 ये 20x² इधर आएगा तो माइनस का हो गया, ये इधर आएगा प्लस का हो गया 27x और 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर 0, क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण बन रही है तो आप इसको द्विघात समीकरण में चेंज करना होगा, तो 24 में से 20 घटेगा तो 4x² आ गया, 29x माइनस का है और 27 है वो प्लस का है, तो माइनस के कितने बचेंगे 2 बचेंगे, माइनस का 2x, 7 प्लस का है 9 माइनस का है, तो 9 माइनस का होने की वजह से 2 बचेंगे माइनस का बराबर कितना है 0। अब आप चाहो तो इसमें से 2 का भाग दे दो, अदरवाइज 4 का आप अगर गुणनखंड विधि अप्लाई कर रहे हो तो 4 का 2 से गुणा करते हो तो 8 आता है, अब अंतर भी कितने का रहना चाहिए 2 का रहना चाहिए, तो 4 और 2 में 2 का अंतर है, तो आप यहाँ पे 4 और 2 जो आपके दो संख्याएं बनेगी जिनका गुणा करने पर तो 8 आ रहा है और घटाने पर 4 में से 2 आता है, तो आप इस द्विघात समीकरण के जो गुणनखंड करेंगे तो 4x² - 2 को आप क्या लिख दो 4 - 2, इस 2 को चेंज कर दीजिए सिर्फ और आगे x और माइनस का 2 बराबर कितना है 0। अब यहां पे 4x² - -4 हो गया और x गुणा करेगा तो माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा x से होगा तो 2x और आगे माइनस का 2 बराबर कितना है 0।
अब यहां पर देखिए चार में से दो एक्स कटता है ना, तो माइनस दो एक्स आता है। तो चिन्ह में ध्यान दीजिएगा कि अगर गलती से आपने ये प्लस का किया ये माइनस का किया हो तो यहाँ प्लस का दो एक्स बचता, जबकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें माइनस का दो एक्स है। तो ये जो चार में से दो घटाओगे तो दो एक्स बचेगा और वो बचेगा माइनस का। अब इन दो दो में से आप कॉमन ले लीजिएगा, तो सबसे पहले वाले दोनों में चार और चार है दोनों में ही, तो क्या कॉमन आ जाएगा, चार कॉमन आ गया है, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन आ गया एक्स, तो अपने पास क्या बचेगा एक्स माइनस एक, और आगे दोनों में प्लस का चिन्ह आगे वाला सेम, दो एक्स और दो में दो कॉमन आ गया तो क्या बचेगा एक्स माइनस एक बराबर कितना है जीरो। अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स माइनस एक ब्रैकेट कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा चार एक्स प्लस दो बराबर जीरो। अब दोनों के गुणनफल के बराबर जीरो है, अब या तो एक्स माइनस एक के बराबर जीरो है या चार एक्स प्लस दो के बराबर जीरो है। तो यहाँ से एक्स का मान कितना मिल गया प्लस का एक, यहाँ से एक्स का मान निकालोगे तो चार एक्स बराबर तो दो हो गया माइनस का, और एक्स बराबर आ गया माइनस दो बटा में चार आ गया माइनस एक बटा में दो। तो एक्स के दो मान मिल गए हैं, एक तो एक मिला है, एक माइनस एक बटा में दो मिला है, तो ये एक्स के दो मान है। तो यहां से बाद में पूरा क्वेश्चन तीसरे एक्सरसाइज का बन गया है। इस एक्सरसाइज की तो ये सिर्फ दो ही लाइन है जहां आप थ्योरम में अप्लाई कर रहे हो, तो गुणनखंड वाले प्रश्नावली भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए, तभी आप इसके गुणनखंड कर पाओगे। ये क्वेश्चन तीन नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो एग्जांपल है उसमें भी है, तो उसमें डेरिवेशन इतना नहीं है, वहां पे एक्स स्क्वायर वाले कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ दो या तीन लाइनों में वो सोल्यूशन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए।